सो गाइस, अब तो बवाल मचने की हद पार हो चुकी है भाई, क्योंकि जो मिस्टर फैजू हैं उनका अकाउंट भी मैंने जैसे विज़िट किया तो मेरे को उनका वो अकाउंट दिख नहीं रहा था, तो इसलिए उनका अकाउंट शायद तक डिलीट हो गया, शायद तक, यह पक्का नहीं है कि उनका अकाउंट रियल में डिलीट हो गया है, क्योंकि मैंने जैसे विज़िट किया एक तो वो कहीं भी दिख नहीं रहे हैं टिकटॉक में जिसमें मैंने सर्च किया, और जैसे ही फिर मेरे को लगा कि मुझे आज देखना है फैजू का अकाउंट, सो मैंने जाके देखा जन्नत जुबैर के अकाउंट में विज़िट किया, फिर वहाँ से फैजू के साथ एक वीडियो बना था तो उस वीडियो से मैंने फैजू के चैनल पे विज़िट किया, एंड मैंने क्या देखा भाई बिल्कुल नहीं बता सकता मैं। मैंने देखा कि फैजू का जितने भी फैजू के सारे फॉलोअर्स सारे वीडियोस तो दिख रहे हैं, बट फैजू का जो मेन जो फ़ोटो है उसकी जो वीडियो रहती है प्रोफाइल वीडियो प्रोफाइल फ़ोटो, तो वो नहीं है उसमें। मैंने देखा भी अपनी आँखों से देखा भी, मैं आपको दिखाऊंगा, तो मैंने देखा कि फैजू के वीडियो था बट उसमें उसका नेम ऊपर जो नहीं आता है ऊपर ऐसा आता है, फिर नीचे से सब कुछ स्टार्ट होता है इन्फॉर्मेशन वगैरह, तो ऊपर में यूज़र लिखा था, ना कि मिस्टर फैजल या फिर मिस्टर फैजू या फिर फैजू या फिर मिस्टर फैजू 07, सिर्फ लिखा था उसमें यूज़र, और उसकी जो प्रोफाइल फ़ोटो या फिर प्रोफाइल वीडियो जो डालता था वो भी नहीं है और कहीं शो भी नहीं कर रहा है। तो अभी मैं आपको फ़ोन में लेके चलता हूँ, शायद तक फैजू का अकाउंट डिलीट ना हुआ होगा, तो भाई प्लीज़ यार बुरा मत मानना, ये ऐसा मैंने देखा है, ऐसे ही केसेस रहते हैं जिसमें अकाउंट डिलीट हो जाता है। ओके सो अभी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो भाइयों अभी मैं आपको टिकटॉक खोल के बता देता हूँ, देखो ये देखो, ये है मिस्टर फैजू का रियल अकाउंट, ये देख सकते हो आप मिस्टर फैजू, यहाँ पर नेम की जगह यूज़र लिखा हुआ है और इसकी फ़ोटो हट चुकी है, आप ये देख सकते हो। और एक और चीज़ दिखाता हूँ, देखिए अभी मैंने इसे ये चैनल पे विज़िट किया था, देखिए मिस्टर फैजू 07 डालते ही फैजू का रियल अकाउंट कहीं नहीं आ रहा है, जितने फेक अकाउंट हैं देख लो कितने फैंस हैं इसमें, पॉपुलर क्रिएटर का बैच बिल्कुल नहीं है, देख लो आप, देख सकते हो सारे फेक अकाउंट्स हैं, इसमें से कोई भी अकाउंट फैजू का नहीं है। और ये देखिए जन्नत जुबैर के अकाउंट में मैंने विज़िट किया, यहाँ पर इसका अकाउंट दिख रहा है, ओके इसके अकाउंट से गया मैं फैजू के अकाउंट में, ओके सो ये है फैजू, ये अब नीचे इसका एट द रेट दिया गया है, ये देख सकते हैं आप सिंपली, ये देख लो भाई वीडियो सारे शो कर रहे हैं बट फैजू का नेम शो नहीं कर रहा, इसका तो मतलब यही है, देख लो ये देख लो वीडियो सब कुछ शो कर रहे हैं, देख सकते हो आप ओके बट ये देख लो भाई, मतलब इतना बुरा बवंडर मच चुका है भाई, क्या बताएं, सच्ची में बहुत अजीब सा लगता है कि तरबेज खान तो मतलब उन्होंने तेरे बिन की वीरा वांगी, मतलब मिस्टर फैजू और जन्नत जुबैर दोनों का वीडियो बनवाया था, बहुत ही शानदार वीडियो था। सो गाइस अभी आपने देखा और मैं जैसे कि बताना चाह रहा था कि ऐसा क्यों हुआ, तो देखिए ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जो तेरे बिन की वे रवानगी का जो वीडियो था जो कि तरबेज खान ने बनवाया था उन लोगों के, शायद तक ऐसा कुछ मेरे को ज़्यादा ऐसी नॉलेज नहीं है बट तरबेज खान ने बनवाया था, तो तरबेज खान किसी वजह से अरेस्ट हो गया या फिर मेरे को लगता है उसको मार दिया गया है, ऐसी न्यूज़ मैंने देखी है, रियल में मरा नहीं होगा, क्या पता अरेस्ट नहीं हुआ होगा, सो मेरे को ऐसे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है, बट उसके लिए फैजुल ने एक वीडियो बनाई टीम 07 ने, पूरी टीम 07 ने, कि तुमने तरबेज खान को तो मार दिया, अब उसकी औलाद जब आएगी और तुमको मारेगी, तब ये नहीं बोलना कि मुसलमानी पाकिस्तान मुसलमान आतंकवादी होते, सो ऐसा उसने बोल के ना भाई एक ऐसी चीज़ को क्रिएट किया है कि
कह नहीं सकते कि मतलब तुमने खुद ही अपना भविष्य बता रहे हो कि आगे चल के तरबेज खान के कोई परिवार का या फिर उसकी औलाद आएगी और हम लोगों को मारेगी, ऐसा कहना चाह रहे हो तुम? भाई इधर पागल नहीं बैठे हम लोग, हाँ समझे, तुमको लड़कियों ने बस अच्छा लगता है तुमको क्योंकि ऐसा मुंह बना के घूमोगे भाई और ऐसे ऐसे करोगे तो कोई भी तुमको पसंद कर लेगा, बट अपने हद से ज्यादा मत बढ़ो। तुम एक टिकटॉक में वीडियो बनाते हो, सिर्फ वीडियो बनाओ, ना कि तुम गवर्नमेंट के काम में दखलअंदाजी करो। अगर तुमने करने की कोशिश की तो क्या पता तुमको भी जेल हो सकती। इसलिए जो गवर्नमेंट कर रही है वो एकदम सही कर रही है, इसलिए तुमको अपनी चीज़ में नहीं अड़ना है। तुम अपना काम करो, गवर्नमेंट अपना काम करेगी। तो गाइस बस आज के लिए इतना ही, और अगर आप में से कोई भी फैजू का ऐसा फैन होगा और उसको बुरा लग गया होगा तो भाई सॉरी, मैं फैजू को सिर्फ ऐसी चीज़ें बताना चाह रहा था। अगर आप इस वजह से हेट हो जाते हो तो भाई सॉरी प्लीज़, ओके सॉरी। एंड गाइस बस आज के लिए इतना ही, मैं मिलता हूँ उसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लीजिए जय हिंद, वंदे मातरम।